बात झारखंड में स्तन और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को लेकर आईएमए वुमेन डॉक्टर्स विंग ने मुहिम छेड़ रखी है। जी हां, आईएमए की सह राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप के नेतृत्व में ना सिर्फ महिलाओं में जागरूकता फैलाई जा रही है बल्कि अलग अलग मौकों पर कैंप लगाकर इस रोग ग्रसित महिलाएं को जांच कर ट्रीट भी किया जा रहा है। राज्य के एक सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर की जांच और उपचार की मशीनें लगाई जा चुकी है। 19 जून को एमजीएम कॉलेज और अस्पताल में भी सर्वाइकल फ्री कैंसर की जांच और उपचार की मशीनों को लोकार्पित किया गया। साथ में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीन की मशीनों को भी लोकार्पित किया गया। इस मौके पर आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर भारती कश्यप के सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के झारखंड मॉड्यूल को देश के दूसरे राज्यों में भी लागू करना चाहिए। विमेन डॉक्टर विंग आईएमए झारखंड एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर का आयोजन पिछले दिनों जमशेदपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आईएमए राष्ट्रीय के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, आईएमए विमेन डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने शिरकत की। इस शिविर में दिल्ली के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका गुप्ता की टीम द्वारा शिविर में आने वाले सभी महिला मरीजों की जांच कर उन्हें कैंसर मुक्त किया गया। स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर 12 परिवारों को मिला नया जीवन। 12 महिलाओं में सर्वाइकल प्री कैंसर पाया गया। 12 महिलाओं को कार्यस्थल पर ही कॉल्पोस्कोप गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट देकर किया गया कैंसर मुक्त। 210 महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा की सूजन खत्म करने की दी गई मुफ्त दवा। 351 महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की दवाएं मुफ्त दी गयी। विमेन डॉक्टर्स विंग के बैनर के अंतर्गत हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रहे हैं। हम जगह जगह रूरल एरिया में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। हम गवर्नमेंट के सदर अस्पतालों के रचनात्मक सुदृढ़ीकरण करते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की संरचना का सुदृढ़ीकरण का काम करते हैं। हम सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाते रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद की अपनी वित्तीय सहायता से मशीन लगवाई है। बाकी 11 सदर अस्पतालों में विमेन डॉक्टर विंग के सहयोग से माननीय विधायक और गवर्नर महोदय ने मशीन लगाई। लेकिन इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री और आईएमए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि डॉक्टर भारती कश्यप के सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन झारखंड मॉड्यूल को देश के दूसरे राज्यों में भी WHO को भी विकासशील देशों के लिए लागू करना चाहिए। तो इसलिए जो है सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने की दिशा और दशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और पूरी तरीके से हमने इसमें बजट का भी प्रावधान किया है और जितने हमारे सदर अस्पताल हैं उसमें 11 सदर अस्पताल में हम लोगों ने मशीन भी लगा दी है और शेष सदर अस्पताल और हमारे जिला अस्पतालों में भी हम जो है सर्वाइकल कैंसर की मशीन लगा रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो टीके हैं उसको भी देने पर हम विचार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यशाला का काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी हमारी बहनें चिन्हित हुई हैं जिनको थोड़ी सोच, थोड़ी समझदारी और थोड़ी अकलमंदी से हम सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। डॉक्टर भारती कश्यप को जो बेड़ा उठाया है इस आज किसी भी स्टेट में अभी तक नहीं हुआ है। आपने जो मेडल दिया है पूरे देश में इसको मैं प्रचार प्रसार करूंगा। बहरहाल झारखंड में स्तन और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को लेकर काम किया जा रहा है, उसकी न सिर्फ चर्चा बल्कि तारीफ पूरे देश में हो रही है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।